नमस्कार किसान साथियों, मैं देवेंद्र सिंह पंवार आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल ओनली फार्मिंग में। किसान साथियों, हमने जो एक पहले वीडियो बनाया हुआ है लहसुन के ऊपर, आज हम उसका दूसरा भाग बनाने जा रहे हैं। हमने उस पहले वाले वीडियो है उसके अंदर हमने किस तरीके से हमें लगानी चाहिए, उसके अंदर हमें क्या खाद उर्वरक वगैरह सभी देने हैं, उसकी हमने पूरी जानकारी उसमें दे रखी है। तो अगर आपको उसके बारे में अगर जानकारी चाहिए हो तो आप वो पुराने वीडियो को एक बार वापस देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको इस आई बटन के अंदर दे दूँगा। साथियों, अब उसके बाद के जो जानकारी है वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं। तो साथियों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और दूसरे किसान साथियों तक पहुंचाने के लिए उसको शेयर जरूर करें। साथियों, अब हम इसके जब आगे की बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले आता है उसमें कीट और रोग, और कीट और रोग के अंदर शुरुआत होती है जमीन और जड़ से। तो जमीन से जो जनित जो रोग होते हैं उसकी जब हम बात करते हैं तो उसमें आता है, अभी बहुत ज़्यादा वो बीमारी वैसे भी बहुत ज़्यादा चल रही है, और उसके अंदर क्या होता है कि जो लहसुन रहती है उसके जो पत्तियां रहती है वो पीली पड़ना शुरू हो जाती है, और वो उसके जो होने का सबसे जो मेन कारण होता है साथियों वो क्या होता है कि जब हमारे जो खेत के अंदर नमी होती है और ऊपर से जब तेज़ सनलाइट पड़ती है तो उसके कारण से ये वाली बीमारी थोड़ी ज़्यादा होती है। इस कारण से ये जो बीमारी है जो थोड़ी अगेती फसल होती है उसके अंदर हमें कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलती है। साथियों, अब इसके हम किस तरीके से रोकथाम कर सकते हैं, तो साथियों इसकी रोकथाम के लिए हम वैसे अधिकतर क्लोरोसाइफर और कार्बन डाइजाइम मेनकोजेब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा आपको एक सुझाव है कि आप इसके अंदर क्लोरोसाइफर का इस्तेमाल आप ना करें। आप इमिडा क्लोरोप्रीड और फिफ्रोनिल का जो एक कॉम्बिनेशन अभी मार्केट के अंदर अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप उसके अंदर थायोमेथोक्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड इसका आप एज ए इंसेक्टिसाइड इनमें से आप किसी भी एक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, अब इसके साथ में आपको एक फफूंद नाशक का या फंगीसाइड का भी आपको इस्तेमाल करना है, जिसके अंदर आप प्रोपिकोनाजोल ले सकते हैं, टेबुकोनाजोल ले सकते हैं, हेक्साकोनाजोल ले सकते हैं। आप इनमें से कोई भी एक को इनके साथ में आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी जो ये समस्या है आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। साथियों, इसके साथ में आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है विशेष, कि आप जब इसको एक बार आपको ये आपने दवाई दे दी है और उसके साथ में आपने एक बार पिला दिया, इसके बाद में आपको जो पानी पिलाने के अंदर आप उसमें गैप आपको थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, आपको मौसम को देखते हुए उसके हिसाब से आपको 8 से लेकर के 15 दिन की गैप आपको उसके अंदर दे करके चलना है, क्योंकि अगर आप ये गैप देंगे तभी आपकी जो फसल है वो आगे वापस से पीली पड़ना बंद होगी, वरना आप अगर वापस आपने कंटिन्यूसली अगर आपने उसमें पानी पिलाते रहे तो वो वापस से पीली पड़ने के चांसेस रहते हैं। तो किसान साथियों, अब इसके अलावा जो लहसुन के अंदर रोग आता है वो आता है एक पर्पल ब्लाज आता है, जिसके अंदर पर्पल कलर के उसके ऊपर धब्बे पत्तियों के ऊपर बने हुए हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक झुलसन रोग भी होता है जिसमें पूरा जो पौधा रहता है वो पूरा झुलस जाता है एक तरह से। तो ये दोनों ही जो रोग हैं ये दोनों फफूंद जनित रोग है, तो इन दोनों की रोकथाम के लिए हम मोस्टली हम जो एक ही तरह की उसमें दवाई है उसमें काम आती है, जिसके अंदर हम मेटालेक्सिल मेनकोजेब का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा प्रोपिकोनाजोल है, केप्टान है प्लस हेक्साकोनाजोल, आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन का मार्केट के अंदर अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टेबुकोनाजोल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा इसके अंदर आप टेबुकोनाजोल प्लस एजोक्सोस्ट्रोबिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके अलावा पायराक्लोस्ट्रोबिन आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनमें से आप किसी का भी आप एक लेकर के आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो आपके झुलसन और पर्पल ब्लास्ट जो रोग है आप इन दोनों को आप रोकथाम कर सकते हैं। साथियों, इसके अलावा जो अब इसके अंदर जो और जो रोग आते हैं उसके अंदर रस चूसक कीट का एक प्रकोप आता है और एक इसके अलावा थ्रिप्स का अटैक होता है लहसुन के ऊपर। तो साथियों, इन दोनों को रोकथाम के लिए हमें इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है, और उसके अंदर आप इमिडा क्लोरोप्रीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, थायमिथोक्सम प्लस लिम्बडा साइलोथ्रिन इसका कॉम्बिनेशन मार्केट के अंदर अवेलेबल रहता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर आप फिफ्रोनिल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर आपको इमिडा क्लोरोप्रीड के साथ में आपका फिफ्रोनिल एक रेडीमिक्स भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर आप उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस डाइफेंथुरोन का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें से आप किसी भी एक का आप ले सकते हैं, या अगर मार्केट के अंदर कोई जो रेडीमिक्स के अंदर अगर कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है तो आप उनका इस्तेमाल करके आप इन दोनों से आप अपनी फसल की रोकथाम कर सकते हैं। किसान साथियों, आपको माइकोराइज
चीज़ का जो है आपको जब भी आप इस्तेमाल करें आप उसमें ध्यान रखें कि आप जब भी किसी फफूंद नाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको ड्रिंच कर रहे हैं, जड़ को अगर दे रहे हैं, तो उस समय आपको माइक्रोराइजर का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपने किया है तो कम से कम 10 दिन बाद में ही आप उसका माइक्रोराइजर का इस्तेमाल करें। और माइक्रोराइजर के इस्तेमाल करने के बाद में अगर आपको कभी अगर बाद में वापस लगता है तो आप उसके में आप स्प्रे के अंदर आप अगर किसी फफूंद नाशक का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। साथियों अब ये तो हो गई, हमें आपने पूरी जानकारी दी। अब इसके अलावा हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से लहसुन की आप उत्पादन को आप अच्छा बढ़ा सकते हैं और उसकी जो क्वालिटी है आप उसको अच्छी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो साथियों सबसे पहले अगर लहसुन का उत्पादन आपको बढ़ाना है तो हम आपको बताते हैं आपको गोबर की खाद का आप उसमें आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास गोबर की खाद की अगर कमी है तो आप उसके स्थान पर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखी है, आप उसके अनुसार आप उसका इस्तेमाल करें। साथियों इसके बाद में आता है कि आपको माइक्रोराइजर का इस्तेमाल करना है। माइक्रोराइजर लगभग 20 से लेकर के जो 40 दिन के अंदर का जो टाइम पीरियड रहता है इस समय में आपको माइक्रोराइजर का इस्तेमाल करना है। और अगर आपको माइक्रोराइजर के ऊपर अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो उसके ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, आप उसके जाकर के देख सकते हैं, उसके लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा। किसान साथियों इसके अलावा आपको जब आपकी फसल लगभग 50 दिन की हो जाती है तब आपको उसमें इसके बाद में साथियों आपको इसके अंदर देना है कैल्शियम नाइट्रेट। और अगर कैल्शियम नाइट्रेट का आपको देना है और इसके साथ में अगर आपने पहले सल्फर का इस्तेमाल आपने नहीं किया है, अगर DAP आपने यूरिया इस्तेमाल किया है तो आप उसके अंदर आप सल्फर का भी आप इस समय में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इस समय में आपको सल्फर का इस्तेमाल करना है, इससे आपका जो पौधा का आपके जो कंद बनता है उसके जो ऊपर का पर्दा रहता है वो अच्छा बनता है और जो सल्फर है वो उस लहसुन के अंदर जो गंध आती है उसके लिए उत्तरदायी रहता है, तो वो उस गंध को भी बढ़ाता है जिससे आपको मार्केट के अंदर आपको अच्छे रेट मिलने के चांसेस रहते हैं। साथियों इसके अलावा आपको इसके अंदर जब आपकी फसल लगभग 70 से 80 दिन के आसपास की हो जाती है उस समय में आपको 0-52-34 का आपको इस्तेमाल करना है जिससे आपकी फसल के अंदर फास्फोरस और पोटाश दोनों की पूर्ति हो जाती है। और जो पोटाश जो रहता है वो आपकी फसल की जो भंडारण क्षमता रहती है उसको बढ़ाने का भी काम करता है और जो फास्फोरस है आपकी कंद निर्माण के अंदर भी आपकी मदद करता है। और जब आपकी फसल साथियों जब लगभग 90 दिन के आसपास की हो जाती है तब आप एक बार 0-0-50 का इस्तेमाल आप और अवश्य करें, इससे जो आपको वापस इसके अंदर आपके पोटाश आपकी फसल को पर्याप्त मात्रा में पूर्ति हो जाती है, कंद रहता है उस कंद को अच्छा कठोर करने के अंदर काम करता है। तो साथियों इन सभी जो हमने आपको बताया आप अगर इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको निश्चित ही आपकी उत्पादकता भी बढ़ेगी और उसके आपकी जो क्वालिटी है वो भी उसमें इम्प्रूव होगी। साथियों उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक किसान साथियों तक इसको शेयर करें। धन्यवाद किसान साथियों, जय हिंद जय भारत।